नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित संजय मार्केट एरिया में अपराधियों द्वारा कोल माइंस कर्मचारी के मोटरसाइकिल की डिग्गी को तोड़कर 40,000 रुपए पार करके मौके से फरार हो गए, जिसकी सूचना शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस को दी गई है। जहां यह वारदात कोतवाली क्षेत्र की है एवं चपहा कोल माइंस कर्मचारी अमृतलाल बैगा स्टेट बैंक की मार्केट शाखा में जाकर अपनी बहन के इलाज के लिए अपने बैंक खाते से 40,000 रुपए निकाल कर उस पैसे को मोटरसाइकिल के डिग्गी में रख दिया और संजय मार्केट अंतर्गत स्टेशनरी की दुकान में बच्चों की सामग्री लेने लगा। उसी दौरान आरोपी ने डिग्गी का लॉक तोड़कर उसमें रखे हुए 40,000 रुपए लेकर मौके से फरार हो गए, लेकिन आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। वही इस पूरे मामले में कोतवाली पुलिस जाँच कार्रवाई करते हुए आरोपियों को तलाश करने में जुटी हुई है। गौरतलब है कि जिले में यह कोई पहली वारदात नहीं है एवं इसके पूर्व में भी अनेकों वारदातें हो चुकी हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बैंकों के नजदीक घूमते रहते हैं एवं खाता धारकों को अपना शिकार बना लेते हैं। वही बैंकों में भी सुरक्षा कर्मियों के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों के आने जाने पर उनसे कोई पूछताछ नहीं की जाती है एवं सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं है, जिसके चलते आए दिन आरोपियों द्वारा वारदात को अंजाम दिया जाता है और जिलेवासी उससे प्रभावित हो रहे हैं। उमरिया से शंकर सिंह की रिपोर्ट। जी मैं कह रहा बैंक में स्टेट बैंक के मार्केट वाला बैंक में पैसा निकाला यानी 40,000, वो फिर मैं वहाँ से डिक्की में डाला एक बार फिर चले गया कहाँ संजय मार्केट से मेरा पैसा चोरी गया। मेरे बहन को इलाज कराने के लाने पैसा लिया रहा के बैंक में आ गया है ना, वो सीसीटीवी कैमरे में वो कभी पकड़ जाएगा या उमरिया थाना में रिपोर्ट कर। तो ये अमृतलाल बैगा है, चपहा कॉलोनी में रहता है, परिया कॉलोनी में सर्विस करता है। तो ये कल शाम की घटना है, 1:30 बजे की दोपहर की, और ये यहाँ शहरी बैंक जो स्टेट बैंक है उसमें से पैसा निकाला है 40,000 रुपये नगद। तो वहीं डिक्की में यहाँ विद्यार्थी पुस्तक भंडार में लड़का के साथ किताब खरीदने लगा, उतने में इसका 40,000 रुपये चोरी हो गया है। तो मैं उसको लेके आया था अभी, माने कल घटना हुई है उसकी सीसीटीवी फुटेज में वो आ गया है चोर। आज मैं पुलिस स्टेशन आया था, टीआई साहब से मिला, किसी ने मेरी फर्जी आईडी बना करके और मेरे दोस्तों से, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, इंस्टा फ्रेंड्स से पैसे की वसूली कर रहा है। उसके संबंध में मैंने शिकायत की है, टीआई साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ लेंगे। तो आज मैंने अभी देखा पुलिस स्टेशन में एक शख्स बैठा हुआ है जो कोल माइंस कर्मचारी है, जो अपने मेहनत की और मशक्कत की कमाई बैंक से निकाल करके जा रहा था। उसी समय किसी ने उसकी पॉकेट मार दिया और उसके थैले से 40,000 रुपए की रकम निकाल लिया। टीवी कैमरे में वो बात आ गई है और अभी थाने में बैठा हुआ है और उमरिया की पुलिस कार्रवाई कर रही है और मैं आशा करता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से उस अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार। मैं भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ में अध्यक्ष पद में हूँ, मेरा नाम कमलनाथ ताम्रकार है। यह जो घटना घटी है अमृतलाल जी के साथ, यह बहुत ही निंदनीय है। मैं पुलिस प्रशासन से यह मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस प्रकरण को सॉल्व किया जाए और जो पीड़ित है उसे न्याय मिले। उसे मेरा यही अनुरोध कि स्टेट बैंक गया हुआ था, 40,000 रुपए उसने निकाले, बच्चों की कॉपी किताब लेने के लिए वह राशि निकाला था, लेकिन चोरों ने उसके साथ यह व्यवहार किया, उसके सारे पैसे चोरी कर लिए गए, जिससे वह बहुत ही पीड़ित है। घटनाएं काफी देखी जा चुकी हैं पूर्व में भी और आए दिन ये घटनाएं होती रही। उमरिया नगर में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। जैसा कि चपहा निवासी अमृत लाल के द्वारा उमरिया SBI मार्केट उमरिया में आकर 40,000 रुपये निकलवाया और उसके पश्चात वो अपने बच्चों के लिए संजय मार्केट में किताब की दुकान पर जाकर किताब लेने लगा और उसी वक्त चोरों ने डिक्की से उसके 40,000 रुपये पार कर दिए और जिसकी CCTV फुटेज भी देखी गई और जिसमें चोरी के करने वाले व्यक्ति दिखाई दिए। अब पुलिस प्रशासन को चाहिए कि उस व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करें और एक मजदूर व्यक्ति का पैसा वापस दिलाया जा सके, जिससे अपने बच्चों का
पढ़ाई लिखाई का कार्य कर सके और समाज में इस प्रकार की बुराइयां दूर हो सके, ये पुलिस की जवाबदारी और जवाबदेही भी बनती है कि इस पर तत्काल में आए कि एक चपहा कॉलोनी है, यही हमारी मुख्यालय में एक अमृत लाल है, वो आज किसी काम से यहाँ पे मार्केट एरिया न्यायालय के बगल में एक स्टेट बैंक की शाखा है, वहाँ आए थे करीब 40-50 हज़ार रुपये उन्होंने निकाला और अपने दैनिक कार्य के लिए मार्केट गए और संजय मार्केट में वो अपने बच्चों के लिए किताब उताब खरीद रहे थे। वहीं पे कोई आदमी कांटी की मुखबरी का देख कर रहा था और वो देखा और उसके बाद उनका 40-50 हज़ार रुपये निकाल लेके चला गया है। इसमें एक बात ये भी पता चली है कि वहाँ के जो आसपास सीसीटीवी जो फुटेज है उसमें वो जो लड़का है व्यक्ति है उसको आइडेंटिफाई हो रहा है। तो ये तो दूसरी बात है, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि उमरिया में इस प्रकार की आए दिन घटना घटती है कि जो बैंकों के सामने जो लोग रहते हैं, ऐसे लोग गरीब जो या भोले वाले लोग या सीधे साधे लोग हैं, उनको ऐसे लोग टारगेट करते हैं, उनका पैसा छीन लेते हैं या वो कहीं रखते हैं अपनी डिक्की में या कुछ में, तो उसके पैसा निकाल लेते हैं। गंभीर बात है, पुलिस से अपेक्षा करते हैं कि बैंक के आसपास जो ज़्यादा टाइम रहता है क्रूशियल टाइम 10:30 से 2 बजे तक, उस दौरान थोड़ा सा गश्ती वगैरह वहाँ करें, इससे इस प्रकार की घटना न